क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सोच आपस में मिलती जुलती है? क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने यूएन जनरल असेंबली के 20 मिनट के भाषण में आर्टिकल 370 का जिक्र किया और वही जिक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी आपको दिखाई देता है कि साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि अगर हमारी सरकार आती है हम आर्टिकल 370 जो है वो वापस लेकर आएंगे। आपको बता दें कि ये पाकिस्तान ने दूसरी बार आर्टिकल 370 का जिक्र किया है जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात चल रहे हैं। आर्टिकल 370 के जिक्र करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आर्टिकल 370 को रिवर्स करना चाहिए और साथ ही साथ उसे डायलॉग के लिए यानी शांतिपूर्वक माहौल के लिए हमसे डायलॉग करना चाहिए। पहले आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वो यूएन जनरल असेंबली का वीडियो सुनिए, उनका क्या कहना है। India must reverse the unilateral and illegal measures it has taken since 5th of August 2019 and enter into a dialogue for a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN security resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Mr. President, remember, illegal occupation creates a fresh hell every day in the killing fields of Palestine and in the pristine valleys of occupied Jammu and Kashmir. साफ तौर पर आपने वीडियो में सुना कि यूएन जनरल असेंबली में दफा 370 के मुद्दे को लेकर किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चर्चा की। अब आपको बता दें कि तभी जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स हैं वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जो है वो आपस में नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जो है वो पाकिस्तान के साथ है, इसीलिए पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सोच मिलती है। साफ तौर पर आपने देखा कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा आर्टिकल 370 का मुद्दा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, जिस पर वो पॉलिटिकल इशू बनाकर चुनाव लड़ रही है, वही मुद्दा जो है पाकिस्तान भी चाहता है। और पाकिस्तान ने साफ तौर पर बार बार कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में शांति चाहिए तो हमसे बात करनी होगी। ये मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है क्योंकि यूएन जनरल असेंबली में 5 अगस्त 2019 के मुद्दे को जो है एक बार फिर से पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान को बार बार ये कहा गया है मोदी जी की तरफ से और तमाम आपको बता दें कि हमारे उन लीडर्स की तरफ से कि पाकिस्तान अपने घरेलू मुद्दों को जो है वो ध्यान में रखे और भारत के बारे में सोचना छोड़ दे, क्योंकि भारत देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी सोच है जो भारत को किसी के भी आगे झुकने नहीं देंगे और जो भारत को जो है आपको बता दें कि चाहे इकोनॉमी हो चाहे विश्व गुरु हो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।